आपको सुनाऊंगा हिमंता साहब की हुंकार। एक बड़ी बात आज उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब कमलेश सिंह साहब ने यह कहा कि वो हुसैनाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हिमंता साहब कंफ्यूज हो गए कि हुसैनाबाद ये मतलब झारखंड में है कि झारखंड में नहीं है, झारखंड तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार का चुनाव तो खत्म हो गया है। दरअसल उसके पीछे कारण क्या था, हैदरनगर, हुसैनाबाद, औरंगाबाद, दाऊदनगर और उसके बाद आप आ जाइए मोहम्मदगंज, ये पांच वहां ऐसे नगर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब आसपास हैं, कुछ बिहार में है कुछ झारखंड में है, नाम नहीं बदला बस पहचान बदल गई, एक दायरा सीमा एक सीमा रेखा खींच दी गई लेकिन नाम नहीं बदला गया, नाम आज भी पहचान आज भी वही हुसैनाबाद की है। तो सवाल लाजमी था कि भाई जब आएंगे जीतकर तो कमलेश सिंह साहब की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि पहली कैबिनेट में ही हुसैनाबाद का नाम बदला जाएगा, हुसैनाबाद का नाम अब हुसैनाबाद नहीं होगा। और आप यूपी के शहरों को देख लें या दिल्ली के शहरों को देख लें तो यह मान भी लीजिए कि यह होने वाला है। पहले आपको हुंकार सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा आज हिमंता बिस्व शर्मा साहब ने। हुसैनाबाद में हिमंता बिस्व शर्मा की हुंकार, हुसैनाबाद को जिला बनाने का किया वादा, जन आशीर्वाद सभा में बोले हिमंता बिस्वा, जिला बनेगा लेकिन हुसैनाबाद नहीं होगा नाम। हमारा सरकार की पहला कैबिनेट में जिला बनेगा लेकिन नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। हुसैनाबाद के बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह ने नामांकन का पर्चा भरा। नॉमिनेशन के बाद आयोजित बीजेपी की जन आशीर्वाद सभा में चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने हुंकार भरी। हिमंता बिस्व शर्मा ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, साथ ही हेमंत सोरेन से कई तीखे सवाल पूछे। गुरु जी का शपथ खाके हेमंत सोरेन जी बताए थे अगर मैं गुरु जी का बेटा हूँ तो मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अभी मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूँ कि आप गुरु जी का बेटा है कि नहीं। ये जो झारखंड का सरकार है क्या बोला था कि मेरा बेटा बेटी का जब शादी होगा एक सोने का सिक्का दिया जाएगा, किसी को सोने का सिक्का मिला? आज पेपर लीक घोटाला में झारखंड देश का नंबर वन प्रदेश बन चुका है। सीजीएल का एग्जाम में जो बार बार घोटाला हुआ है उसे झारखंड का युवाओं का सपना खत्म हो गया है। तो हमें झारखंड को ये बंटी बाबलू सरकार से बाहर निकालना होगा। नामांकन सभा में उमड़ी भीड़ से बीजेपी के नेता उत्साहित नजर आए। कमलेश सिंह ने बालू और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। वहीं सूर्या सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। बालू के लिए लोग यहाँ पर गरीब तरस गए, रोड का धंधा बंद करवा दिया, मकान बनाने के लिए जो आवंटन था पैसा हुआ किसी तरीके से रह गया। अकत भी है, उत्साह भी है और लोगों को बहुत गुस्सा भी है क्योंकि सरकार ने लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला है और जिस तरह से लोग सच में प्रताड़ित हुए। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जनता ही जनता है कि क्या महसूस हुआ है इस 4 साल में और इसका समय आ गया अब जवाब देने का। हुसैनाबाद से कमलेश सिंह मौजूदा विधायक हैं लेकिन अब की बार वे कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ आरजेडी के संजय सिंह यादव ताल ठोक रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए हुसैनाबाद से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम हुंकार आपने सुन लिए, कई वादे कई दावे हैं। जन आशीर्वाद के बाद जब बोले तो फिर लोगों ने पूरी तरीके से हुंकार को सुना। रुक करते अतिथियों का। प्रतुल जी, ये हुसैनाबाद, हैदरनगर, दाऊदनगर, मोहम्मदगंज और एक कौन सा औरंगाबाद बिहार का, ये सारे जो जितने नगर गंज हैं सब एक साथ हैं। थोड़ी देर के लिए तो कभी कभी झारखंडी भी कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग झारखंड में हैं कि हम लोग कहाँ हैं, मतलब समझना जरा मुश्किल हो जाता है। भैया हमें सत्ता में आने दीजिए, ये क्लीनिंग फिर से शुरू हो जाएगी। वैसे हम लोगों ने दिल्ली में ये क्लीनिंग सिस्टम शुरू कर दिया था। अब आप देखें जो पूरी मुगल डायनेस्टी थी, हम लोगों को रामचंद्र जी के पिताजी तक का नाम पता, उनके 3-4 पीढ़ी पहले तक कौन है वो नहीं पता, पर हमें बाबर से लेकर उनका जो औरंगजेब था
उस सबका नाम पता है, ये हमें पढ़ाया गया कांग्रेस की सरकारों के द्वारा। कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब जैसे कत्लेआम करने वाले लोगों के नाम पर जो दिल्ली के मार्ग थे वो रख दिया। अब साहब टीपू सुल्तान को ये महामंडित किया करते थे, टीपू सुल्तान ने सबसे ज्यादा अगर हत्याएं करवाई अपने रेजिम में तो वो हिंदुओं की और क्रिश्चियनों की करवाई है, तो इनके लिए तो ये लोग बड़े लोग थे ना साहब। टीपू सुल्तान से जो लिस्ट शुरू होता है वो औरंगजेब, बाबर, सब जितने आक्रांता थे उनको ग्लोरीफाई किया गया, तो अब हम ये दूर करना शुरू कर दिए हैं। अब आप दिल्ली में भी देखेंगे, हम जितनी जो पुराने कॉलोनियल सिंबल थे, इंडियन नेवी का जो फ्लैग था, सारी चीजों को हम लोग बदल रहे हैं। धीरे धीरे इंतजार कीजिए, हिमंत विश्व शर्मा साहब ने जो कहा ना पहले कैबिनेट में, वो जिला बनेगा क्योंकि वो एक सुदूर क्षेत्र है, बहुत सुदूर क्षेत्र है। आप औरंगाबाद, ये माफ कीजिएगा, आप डाल्टनगंज से, मेदिनीनगर से भी जाएंगे तो वो काफी दूर है, तो वहां अगर अलग जिला बनेगा तो बहुत लोगों को सहूलियत होगी। पहले तो पुल बनने से पहले वो दो नदियों के कारण वो कटा रहता था, तो उसका नाम भी हम लोग बदलेंगे। और सिर्फ आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और अभी मेरे आजसू के मित्र भी बता रहे थे कि सच में उन इलाके में कुछ ऐसे शहर हैं जिनका नाम बदलना बहुत सही है, और ये हिस्टोरिकल जो गलतियां होती है ना ये सुधरती है और धीरे धीरे सुधरती है। अब आप एनसीईआरटी की किताब में भी देखिएगा कि अगर महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं है साहब, अकबर महान हो गया जो एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर इतने आतंकी तरीके से बर्ताव किया था, लेकिन उनके खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप जो कहते थे घास की रोटी खाकर जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी साहब, कुर्बानी दी थी, सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनको महान नहीं, क्यों? ये दो तरीके का जो परिवर्तन था ना अब ये दिख रहा है। अब हमारे लिए महाराणा प्रताप महान है, और अकबर जैसे लोग, औरंगजेब जैसे लोग, बाबर जैसे लोग विदेशी आक्रांता है। और बाबर के तो पिता और माता का देखिएगा तो उज्बेक और वो तजाकिस्तान, वो तो कभी मुगल भी नहीं था, वो कभी मुस्लिम भी नहीं था, लेकिन आज भी उसको मुस्लिम जो है कहते हैं हम बाबर के खानदान से, ये कौन सी बात है साहब। अरे वो तो बाबर नाम आप लोगों के लिए मुझे लगता है शुभ ही साबित होने वाला है। झारखंड की राजनीति में अभी आने वाला समय बताएगा किसको कितना। एक बाबर ने जमशेदपुर से भी इस्तीफा दे दिया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो नाम शुभ होने साबित होने वाला है आपके लिए, बाबर खान साहब का नाम। सीपीआई सहजा साहब, ये नाम में बदलाव, सीपीआई कितनी सहमत कितनी असहमत, क्या मानते हैं जिलों के नाम इस तरीके के जो नाम है उनमें बदलाव होना चाहिए या यहाँ भी विरोध है? देखिये मेरा साफ समझ है, ये इलेक्शन के समय में आप किसी मुद्दे को उठाते हैं, शहर का नाम आप तय करते हैं कि हम इतना परसेंट रोजगार देंगे, हम इतना परसेंट उद्योग लगाएंगे, इतना परसेंट हम युवाओं को रोजगार या शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे, अस्पताल 1100 से बढ़ा के 2500 मैया सम्मान देंगे, इसको नहीं, हम मैया सम्मान की बात नहीं, कोई भी सम्मान, तो वो भी तो जुड़ेगा ना सर, वो भी तो इलेक्शन के डेवलपमेंट की बात जब चुनाव में करना चाहिए तो आप जिला का नाम बदल लें, आप सरकार में ये जो करना कीजिए ना, लेकिन इलेक्शन के समय जो डिबेट होना चाहिए क्या होना चाहिए, जनता को किस चीज का वादा करना चाहिए कि आपको हम रोजगार देंगे, हम आपको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे, हमारा जो राज्य में अब अपराध मुक्त होगा, हमारा रोजगार सृजन होगा, झारखंड के विकास में संभावनाएं क्या होगी, जो रॉयल्टी है झारखंड की उस पर चर्चा करें। सर आपने झारखंड के जो मुद्दे बताए अभी डिबेट में बैठने से पहले मैं बस पढ़ रहा था क्षेत्रों की समस्याओं को, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे यह देखकर कि राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी पर अभी भी जो मुद्दे जिंदा हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या पेयजल, ड्रेनेज और सड़क है। मैं भाई इसीलिए तो कह रहा हूं अभी भी ये झारखंड के राजधानी के हालात, मैं तो 24 सालों के बाद, मैं तो प्रत्युल जी से कहता हूं जहां रहते हैं ना, और सुन लीजिए कई इलाकों में पानी की घोर समस्या है, राजधानी में तो पानी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग सर, अब जाकर हुसैनाबाद में कहिएगा कि पानी देंगे कौन मानेगा, वही बात, वहां तो पानी मिल भी जाएगा, वही गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ मुख्यालय आपका जहाँ रहते हैं चौक पर प्रतुल जी, उसके आसपास अगर उठ के देखिए फरवरी मार्च के महीनों में लोग सड़कों पर पानी का बौछार लेके, जब रांची शहर जैसे में पानी के लिए हाहाकार मचा रहा था, हरमू में पानी ड्राई जोन हो गया, तो हमें इस पर बात करना चाहिए, शिक्षा के विकास इतना बात कीजिएगा, दूसरी चीज की एचईसी जैसे मुद्दा पे केवल बात ही तो कर रहे हैं सारा दल, काम कहां कोई कर रहा है, काम करने की बात होनी चाहिए ना। अभिषेक एक रियलिटी चेक इनके सरकार के रोजगार का, अनंत ओझा जी के प्रश्न पे सरकार ने स्वीकारा कि हमने सिर्फ 5 वर्षों में 11,422 रोजगार दिया है,
उसमें 40,000 के करीब वैकेंसी क्रिएट किया गया था, लेकिन 11,000 का अपने सरकार का मैंने कहा कि कोई भी सरकार अगर कंफ्यूज ना हो, मैं खाली दर्शकों को रियलिटी चेक दिखा रहा हूँ। कैसे बेवकूफ बनते हैं 11,422 रोजगार जनता, कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, सरकारें हमें कैसे बेवकूफ बनाती हैं, घोषणा पत्र के वादे भी पूरे नहीं करते जो घोषणा करते, और हम और आप सवाल पूछने का अधिकार तक नहीं खो देते हैं, और सवाल पूछेंगे सर तो केस मुकदमे हो जाएंगे। देखिएगा, सवाल सोच समझ कर पूछिएगा, नहीं तो केस वेस होने लगते हैं, अपना परिवार भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। पत्रकारों पर भी केस होते हैं। अरे 28 पत्रकारों पर तो 28 महीना से HEC के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। बिल्कुल, तो सवाल तो कई चीज है ना, हम कहते कि उनकी भी खुशियों को तो सब कुछ। अब हम किसी सरकार का जो रोजगार नहीं देगा वो युवा विरोधी, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे NDO चाहे UPO की सरकार हो। एक बार संजय रंजन साहब का रुख करते हैं। संजय रंजन साहब, आज बड़ी बात कह दी है, बालू और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा हिमंता बिस्व शर्मा ने, और गढ़वा में तो सीधे मिथिलेश ठाकुर साहब को कह दिया कि बालू पी गए मिथिलेश ठाकुर साहब, बालू खा गए पूरा मिथिलेश ठाकुर साहब, पूरा बालू का पैसा खा गए। ये बड़ा आरोप सर, मतलब मंत्री पर, मंत्री भी रहे मिथिलेश ठाकुर साहब तो, सबसे पहले नामांकन किया उन्होंने, बिना लिस्ट निकले, बिना सिंबल, पता नहीं बटा कि नहीं बटा, GMM का नामांकन उन्होंने सबसे पहले किया। मिथिलेश ठाकुर साहब काफी अच्छे मजबूत नेता माने जाते हैं सर। सिर्फ बालू ही नहीं, पूरे झारखंड में बालू, गिट्टी, कोयला, लोहा, ये जितने भी कच्चे अयस्क हैं, सबका जिस तरह से दोहन और शोषण हुआ है, इसमें कोई स्वीकार करने में ऐतराज नहीं है कि इससे भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा है। आप देखें कि जितने भी आरोप लगे हैं, बड़े बड़े आरोप, वो इन्हीं सब विषयों को लेकर लगे हैं, और सरकार जवाब नहीं दे पाई है। इससे पहले कि मैं जरा सा इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको आपका ध्यान जरा सा खींचना चाहता हूं इस तरफ कि डाल्टनगंज का नाम मेदनी नगर हुआ, राजा मेदनिया के नाम पर हुआ, और सबने इसको स्वीकारा। उसी तरह से अगर हुसैनाबाद एक जिला बनता है तो सबसे पहले हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। अच्छा, क्या बात है, तब तो आप बड़े अच्छे से समझते होंगे क्षेत्र को। और अगर किसी मनीषी के नाम पर या किसी योद्धा के नाम पर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर अगर इस जिले का नाम रखा जाता है तो खुशी और होगी। मैं जरा सा और पीछे ले चलता हूँ आपको। 2000 में झारखंड का गठन हुआ। झारखंड के बनने के पहले धरती आबा बिरसा को वो मान्यता हासिल नहीं थी जो इतिहास की किताबों में मिलनी चाहिए थी। सन 2000 में जैसे ही झारखंड एक अलग राज्य बना, भगवान बिरसा को वो हक, वो यश का हिस्सा मिला जो यहाँ की जनता उनको सैकड़ों साल पहले, कई 50 साल पहले देना चाहती थी। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान बिरसा के नाम पर झारखंड अस्तित्व में आया है। तो उसी तरह से अगर हमारा जो जिला है नया बनता है, कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट में इनके मुंह में घी शक्कर और इनको हम सबकी उम्र लग जाए जो हम लोग वहां के बाशिंदे हैं कि वो एक जिला बने और उसका जो नाम सरकार तय करती है। नहीं, क्यों बनाया गया सर, ये समझ में नहीं आया कि जिला नहीं क्यों बनाया गया। काफी फेमस जगह है, हुसैनाबाद का नाम काफी चर्चित है, और कमलेश सिंह साहब ने आज कहा कि CM साहब ने उनसे वादा किया था कि जिला बनाया जाएगा। इसको पहले भी मंत्री रह चुके हैं वो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पलामू के साथ हमेशा छल हुआ है, और आप वहाँ के विकास की गति को देखेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। मुझे लगता है कि जिला बनने से, जैसे अभी सब डिवीजन हाल में बना है तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं, जिला बनेगा तो निश्चित रूप से चीज़ें और तेजी से बदलेंगी, विकास की जो नई रेखाएं हैं वो खींची जाएंगी। मुझे लगता है कि ये जल्दी से जल्दी हो, और जनवरी आने में अब वक्त ही कितना है, 2 महीने के बाद अगर हमारा छोटा सा शहर अगर जिला बन जाता है दिसंबर में होगा। दिसंबर में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी में दे दें, 14 जनवरी के आसपास दे दें।
हाँ, तो खरमास वगैरह खत्म हो जाए तो अभी तो बहुत लोग शपथ ग्रहण भी नहीं करेंगे कि खरमास तब लोग तो परिणाम जल्दी आ जाएगा। खरमास में कहा पहले ही हो जाएगा परिणाम तो जनाब अगले 23 तारीख को आज के 30वें दिन आ जाएगा। आज के 30वें दिन ढोल नगाड़ों से पूरा राज्य है वो अनुप्राणित हो जाएगा आज के 30वें दिन। मगर एक सप्ताह नहीं छोड़ दीजिए, एक महीना नहीं, हम डेढ़ महीने का समय देते हैं। ईश्वर करे कि वो जनवरी 14 जनवरी के बाद खरमास जैसे ही समाप्त होता है हमारे हुसैनाबाद को वो जिला घोषित कर दें। मुझे इसमें बहुत प्रसन्नता होगी और सबको होगी क्योंकि जिले जितने छोटे होंगे उतना विकास तेज होगा, ये हमारी मान्यता है और इस पे हम लोग बिल्कुल इस बात का समर्थन करते हैं जी। तो जादव साहब थोड़ी सी बात, जब हुसैनाबाद की है तो जामा की भी बात कर ले एक बार फिर से लुईस मरांडी जी की, जो चर्चा में तेज है कि सीता सोरेन जी की बिटिया भी जामा से टिकट चाहती हैं, वो चाहती हैं कि जामा से उनको टिकट मिले और जामा के लोग चाहते हैं कि सोरेन परिवार का ही कोई वहां से चुनाव लड़े। तो सोरेन परिवार में तो अब कोई जितने भी लोग हैं कमोबेश सभी लड़ने वाले हैं, अब एक उनकी बिटिया बच रही है तो माता जी जामताड़ा से बीजेपी की सीट से और बेटी जो है उनकी वो जामा में किसके गुरुजी के से सिंबल अगर चाह रही हैं तो जेएमएम की सीट से चुनाव लड़ना चाह रही हैं तब तो लुईस मरांडी जी का टिकट कट जाएगा साहब, ये बड़ा सवाल है। देखिए कयासों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, मुझे लग रहा है कि उनकी जो तीनों बेटियां हैं वो अपनी माता के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मैं उनके ट्विटर को भी फॉलो करता हूँ, मैंने देखा कि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है उन लोगों ने क्योंकि वो क्षेत्र उनके लिए नया है। हालांकि नेबरिंग ही कोई अपने पिता के साथ भी जा सकता है, नेबरिंग क्षेत्र है नहीं, चलिए बेटियां हैं तो पिता के साथ भी दादाजी के साथ भी जा सकती है, ऐसा तो कुछ उन पे रोक है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो तो चुनाव का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। जहां तक लुईस मरांडी जी की बात है, उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बातें की, मैंने पहले भी कहा लुईस मरांडी जी एक बड़ी नेत्री थी, उनको बड़ा हृदय दिखाना चाहिए था। साहब कितने लोग मंत्री बनते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, लाखों कार्यकर्ता में, वो तो लंबे समय तक मंत्री रही, कई बार की विधायक रही, कई बार पार्टी ने उनको टिकट दिया और उसके बाद भी अगर वो सिर्फ टिकट को अगर मानती है कि सबसे महत्वपूर्ण है तो वो छोड़कर चली गई, तो कहीं कहीं वही हश्र नहीं हो जाए जो भाई कुणाल सारंगी जी का हो गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटक के रह गए। तो अब मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत हित को ना स्वहित को जनता के हित से तोलना नहीं चाहिए, जनता का हित सर्वोपरि होता है और जनता चाहती है। इस बार झारखंड की जो इतिहास की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने जेल हुआ है, उनके नंबर 2 आलमगीर आलम अभी भी जेल में बंद है, तो ये करप्ट गवर्नमेंट से निजात चाहती है जनता और अपने व्यक्तिगत हित को दरकिनार करते हुए इस बड़े लक्ष्य की ओर सबको बढ़ना चाहिए। चलिए एक बार सीपीआई का रुख करता हूँ, अब आखिरी पड़ाव में हम लोग हैं, 2-3 मिनट और बचे हुए हैं। अजय जी सीपीआई अपने आप को कहाँ कहाँ से मजबूत महसूस कर रही है, कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आप लोगों? अभी फिलहाल हम लोगों ने 12 सीट का अनाउंसमेंट कर दिया है, 2 सीट हम कल और अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोग 15 सीटों पे तैयारी चल रही है और हमारा जो भी सीट है, कौन कौन सा सीट है सर आपका एक बार दर्शकों को वही बता देगा ध्यान में हो, नाला है जी, सारठ है, पुड़ैया हाट है जी, उसके बाद आपका काके है। आप तो सर मतलब पूरा संथाल से लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हजारीबाग नहीं लड़ रहे, आप लोग से भी लड़ना चाह रहे हैं ना, हजारीबाग है, बड़का गांव है, मांडू है, आपके बाद डाल्टेनगंज है, बिशुनपुर है, क्या बोलते हैं विश्रामपुर है, भवनाथपुर है और 2-3 काफी सारी सीटें हैं। हाँ हाँ काफी सीटें हैं, तो इन सीटों पर बरकट्ठा है, इन सीटों पर जनाधार सीपीआई को महसूस हो रहा है। आप लोगों का वहां जाना जनता के बीच किसको डैमेज करेगा, किसके वोट बैंक में से हमारी? 9 बार नाला से हमारे विधायक थे विशेषर खान जी, वो हमारा परापर सीट रहा है और वहां से हम लगातार पिछले बार भी 23,000-24,000 वोट आया था हमारे कैंडिडेट को। बरकट्ठा हमारा भुवनेश्वर में था जब झारखंड बने, तो उस समय भी था, जो झारखंड आज हम नाम देख रहे हैं 51 अबेंडन करके उन्होंने झारखंड बिहार विधानसभा में भेजा था केंद्र को, तो हमारा वहाँ भी जनाधार है और सिमरिया है, चतरा है, इस समय हमारा जनाधार क्षेत्र है। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते रहे, उसका परिणाम हम उन्हें भुगता तो उसका पार्टी ने रियलाइज किया है कि जनाधार वाले क्षेत्रों को हम किसी की कीमत पर छोड़ने का नहीं। गठबंधन होता तो विचार सोचा जा सकता था, लेकिन जब गठबंधन ही, हम अब जहां हमारा जनाधार का क्षेत्र वहां सभी जगह लड़ेंगे। एक आखिरी संदेश सर दर्शकों के नाम आज के लिए, लोकतंत्र है,
परतुल जी ने कहा कि विधायक हम कह रहे जनता को चुनने दीजिए, सरकार आप आए चाहे कोई आए, सरकार जनतंत्र का लोकतंत्र की जीत होगी, जो भी आएगा जन मुद्दों को लेकर हमारा आंदोलन तेज रहेगा, अभी से लेकर हम सड़क से सदन तक आपका आवाज उठाते रहेंगे। अभिषेक, सीपीआई की एक खासियत है वो कभी हार का टिकड़ा ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं कांग्रेस और जेएमएम की तरह। चलिए संजय रंजन साहब, एक फाइनल स्टेटमेंट दर्शकों के लिए। इस बार हम पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ लड़ेंगे, हमारे जो जन सरोकार के विषय हैं उन पर हम लोग अड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। हमारा जो नारा है जय आसू विजय आसू, ये एक घटक दल का नारा नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारा जो पूरा एनडीए कुनबा है इस बार विजयी मोड में है, ट्यून सेट हो गया है, हमारे सारे जो सिपाही हैं, लश्कर है, फौज है, वो अब युद्ध के मैदान में है, हम विजयी होंगे। धन्यवाद। देखिए हमारा लक्ष्य भी जो है और हमारा नारा भी आज से काफी कुछ मिलता जुलता है, कितने नैसर्गिक हमारे पार्टनर्स हैं। अब तो आप लोगों के प्रत्याशी भी मिलते हैं। देखिए ऑन अ लाइटर नोट पर ये सीरियस नारा हमारा जय भाजपा तय भाजपा विजय भाजपा। तो हमारा जो है इस बार का गठबंधन एनडीए का अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट गठबंधन है झारखंड के इतिहास का, जहां लोजपा जदयू आजसू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है साहब, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है हेमंत सरकार को हटाना। लक्ष्य बड़ा है, दोनों ही दलों का दावा एनडीए का एनडीआईए का, एनडीआईए का दावा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देनी है, बीजेपी का दावा है कि सरकार को हटाना। लेकिन यहां जनता को रुककर यह सोचना होगा कि कल्याणकारी योजनाएं पिछले 5 सालों में एक दशक में कितनी धरातल पर उतर पाई, कब उतर पाई, किस समय उतर पाई और आगे क्या फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर सरकार इस वक्त आपकी उंगली पर है, फैसला आपको लेना है कि किसको किसके सर पर ताज पहनाना है और किसको इस बार बेताज कर देना है, किनारे कर देना है, उसको उसकी जरूरत नहीं है, ये करना होगा। निर्णय लेने की बारी है, निर्णय तो हम सभी को लेना होगा, वोट जरूर दीजिएगा। वोटों का गिरता प्रतिशत कई बड़े सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि हमारा आपका घर में रहना कहीं ना कहीं हमारी आपकी इच्छा की सरकार नहीं बनने देता है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे आने वाले 5 सालों में अपने बच्चों को जवाब देने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका, सीपीआई से अजय सिंह साहब हमारे साथ थे, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका, और आजसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, कई मुद्दों पर हमने चर्चा की, रांची विधानसभा सीट जिसको मैं हॉट केक बता रहा था पिछले 72 घंटों से, अब पूरी तरीके से हॉट केक बन चुका है। रांची विधानसभा सीट पर महुआ मांझी कहीं ना कहीं घिरती जा रही है, महुआ मांझी के चारों तरफ से बयानों का वार चल रहा है, पलटवार उनकी तरफ से भी हो रहा है, लेकिन कौन कितना पानी में है, कितने पहलू बदलेगा, अभी देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।